भाई बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, और मैं इसको फुली बिलीव करती हूँ कि बेटियों को भी उतना ही पढ़ाना चाहिए कि जितना आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं। पापा उसका एग्जांपल देते थे कि जवाहरलाल नेहरू की भी एक ही बेटी थी, इंदिरा गांधी, तो उनको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। तो यही फिल्म भी इसको प्रोपगेट करती है कि बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। फिल्म पर्दे की होती है लेकिन रेडियो के लिए फिल्म बन रही है, और फिल्म बन रही है, इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म या कुछ ऐसी मजाक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक शिक्षाप्रद फिल्म बन रही है। एंड इट इज़ अ वेरी सब्जेक्ट विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, और बींग अ वुमन मैं उसको फुली एंडोर्स करती हूँ। मम्मी इस दुनिया की सबसे स्पेशल चीज़ होती है, और इसका कहते हैं कि भगवान सबके पास नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने मम्मी को बनाया। और मदर्स डे पूरे साल में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक दिन है, जहाँ पे मैं अपने मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और मम्मी को किसी के पास जाने नहीं देती हूँ। और इस साल भी मैं ऐसा ही करूँगी, मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ होगा और उसके साथ ही पूरा दिन स्पेंड करूँगी। मेरे जीवन में भी अगर माँ नहीं होती तो शायद मैं एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि आई वॉज अ लोन अ सिंगल वर्किंग वूमन जिसने अपने बेटे को, मेरा बेटा है, बड़ा किया। तो अगर मेरी माँ मेरा सहारा नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और मैं ये होप करती हूँ कि मैं भी अपने बेटे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण बन पाई, एक अच्छी माँ बन पाई। माँ के शब्द में जो रस है, जो एक प्यार है, वो मेरे ख़्याल से दुनिया में कहीं किसी और शब्द में है नहीं। उस शब्द की जो महिमा है वो महिमा कहीं है नहीं। माँ है तो हम हैं, माँ है एक जननी है, माँ है जो आपको जीवन जन्म देती है और फिर जीना सिखाती है। सो उसके आगे ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। क्लिनिक प्लस और बिग एफएम का ये इनिशिएटिव है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। हमें सच्चाई ऐसी लगती है कि जैसे सब जगह बराबरी है, आपके को जर्नलिस्ट हैं जो वुमेन हैं, आपके एडिटर्स हैं जो वुमेन हैं, पर अक्सर लड़कियों की सिचुएशन, खास करके इंडिया के जो थोड़े से पिछड़े हुए इलाके हैं और बी टाउन्स हैं, वहाँ पे ये हालात नहीं हैं। इनफैक्ट बड़ी सिटीज़ और शहरों में तो खास करके ये सिचुएशन उतनी संगीन नहीं है जितनी कि वहाँ पे है, पर यहाँ पे भी एक प्रेजुडिस ज़रूर है और लड़कियों को एक ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। सो आई थिंक आई लव डूइंग इट। इट वॉज़ अ रिकॉर्डिंग फॉर अबाउट 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। इट वॉज़ रियली फन।